फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जी आप ये देख रहे हो मेरे हाथ में है कुछ पेस्ट्रीज़। और ये पेस्ट्रीज़ क्यों हैं, मेरे बेटे का है बर्थडे और केक मैंने नहीं लिया क्योंकि हम लोग केक ज़्यादा नहीं खाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं पसंद करते हैं। होममेड केक्स खा लेते हैं, मार्केट वाले क्रीम वाले केक्स नहीं पसंद करते। तो पर बच्चों को थोड़ा अच्छा लगता है केक वगैरह कटिंग वगैरह करना, तो मैं उनकी फेवरेट जो पसंद की पेस्ट्रीज़ थी वो मैं ले आई थी, तो हमने इसी की कटिंग कर ली थी। सो यस, मेरे बड़े बेटे का था बर्थडे, 6th बर्थडे। एंड क्या, और हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे मनाया, बहुत सिंपल जैसे हम घर में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही किया था। सो ये रहा देखिए एंजॉय करिए बॉय, और कब करेंगे हम कटिंग। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर ओमान, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लॉन्ग हेल्दी वेल्दी लाइफ टू यू। मैं खिलाऊंगी अपनी बुड्ढी को। ओमान थोड़ा सा पीस काट के भाप को खिलाओ, इसमें से भाप को खिला, जा अपने हाथ से खिला। कैसा लग रहा है? मम्मी खा लूं, मम्मी मम्मी इसको चॉकलेट को खा लूं, खा ले खा ले, बैठ 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 खा लूं, ये इसका बेस्ट, मैं चॉकलेट को खा लूं, खा ले खा ले। अभी क्या मिला इस पर करो, कोई बात नहीं कर रहे हैं इसको करने दो, जैसे वो खाना चाहता है लेटे भी बना ले। फिर सी गई मुझे, अब आया ये रहा, खाओ दोनों खा लो। वेलकम टू अवर चैनल। तो जी हो गई है, 12 बज गए हैं और स्टार्ट हो गया है मेरी गुज्जू का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे 6 इयर्स का। और सो आज हमने एक्चुअली केक नहीं काटा, केक इसलिए नहीं काटा क्योंकि हम लोग में से कोई भी ज़्यादा केक खाना नहीं पसंद करता है, बट जस्ट टू डू द सेरेमनी ऑफ केक कटिंग। तो मैं वांश के फेवरेट रेनबो पेस्ट्री लाई थी और एक दूसरे बेटे की फेवरेट लाई थी, दोनों की एक एक फेवरेट लाई थी। तो वही हमने कैसी लगी थी मेरी रेनबो पेस्ट्री। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए छोटे वाले ने कितने खतरनाक तरीके से केक को खाया, मतलब बिल्कुल कत्ल कर दिया केक का उसने, पूरा खा भी लिया उसने, पूरा करने आ गया, सारा पार्टी खत्म कर दिया, आज के गुड़गुड़ होएगी, कल देख लेना। ये है सो रहा, और इसको लिया है हमने, मांच को लिया है स्कूल से, इसे हाय हाय फ्रेंड्स। तो आज बर्थडे बॉय के लिए हम ले रहे हैं, कल हमने रात को केक कटिंग की थी और अब हम ले रहे हैं मिठाई का डब्बा। मैं मार्केट में हूँ आप देख सकते हो, तो मिठाई का डब्बा लेंगे और साई मंदिर साई बाबा जी को मिठाई चढ़ा के आएंगे उमांश के बर्थडे की, है ना उमांश? हाँ, तो मुझे दोबारा से कैंडी ला के दोगे तो फिर गिफ्ट भी लेकर ला के दोगे। हाँ, आज शाम को फिर हमने उमांश के लिए लेना है गिफ्ट और फिर हम पिज्जा पार्टी करेंगे। ये तो जी यहाँ पहुँच गए हैं हम साई मंदिर, और यहाँ पे हम अक्सर जब भी किसी के बर्थडेज होते हैं, हमारी एनिवर्सरी होती है या कोई भी अच्छा दिन होता है तो हम यहाँ ज़रूर मत्था टेकते हैं। तो साईं बाबा जी को हम प्रसाद चढ़ाएंगे और बाहर बच्चों को बांटेंगे और फिर घर जाएंगे। तो यहाँ हमारा सारा, हमने अच्छे से दर्शन किए, आप भी कर लीजिए, देखिए मेरा बेटा भी कितने अच्छे से दर्शन कर रहा है। दो पीस मैंने दरी बांट दिए, वो मांग रहा था, जा करो वहाँ पर, चालो टीका लगवाओ, पर चालो जाओ।
हम आ गए हैं साईं मंदिर से। हाँ, रात में सिक्का मरेगा फ्रेंड्स। तो हम आए हैं साईं मंदिर में मथा टेक कर और प्रसाद बांट कर। हमने लिए थे डब्बे गुलाब जामुन और रसगुल्ले के, और वो सबको हमने बांटे, और हमारे लिए कोई पीस नहीं बचा, तो अब हम लेंगे अपने लिए और फिर हम जाएंगे घर, क्योंकि हमारा लंच बहुत लेट हो गया हुआ। और ये देखिए, ये भी उठ गया बस। ओके, तो हम जा रहे हैं अभी घर, और शाम को क्या करेंगे हम आपको शाम को बताएंगे। स्टे ट्यून्ड, बाय गाइज। मैंने देखो ये कार्ड बनाया था ओमांश के लिए, और क्योंकि ओमांश ना हर बर्थडे पे मेरे लिए और अपने पापा के लिए कार्ड बनाता है और हमें गिफ्ट करता है, सो आज मैंने उसके लिए कार्ड बनाया है। सो ओमांश, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मम्मी। और ये देखो, इसको किसी ने कोई कार्ड नहीं दिया, ये बेचारा यहीं खड़ा हुआ है। मेरे सारे घर में भी कपड़े फैले हुए हैं। ओमांश कार्ड दिखाओ तो सही, खोल के सबको। क्या लिखा है? हैप्पी, अ वेरी हैप्पी बर्थडे माय छोनी, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पापा भाव एंड ओमांश। सॉरी मम्मा, ओमांश का तो बर्थडे आज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बच्चों को एक्चुअली गार्लिक ब्रेड वगैरह ही पसंद है, और हम लोगों ने तो ना काफ़ी लेट वो किया था लंच, 5 बजे करीब हमने। आपको मैं आज गिफ्ट भी दिखाऊंगा जो मैं लूंगा। तो हम 5 बजे तो हमने लंच किया, तो हम लोग ज़्यादा हंग्री नहीं है, बट हम बच्चों को लेके जा रहे हैं पिज़्ज़ा के लिए, पिज़्ज़ा गार्लिक ब्रेड वगैरह जो भी इनको पसंद है खाना, क्योंकि हम लोगों ने ना ऑलरेडी खाया हुआ है और ज़्यादा भूख नहीं है। सो किड्स वॉट एवर दे विल ईट, केक वगैरह हमने कल ही काट लिया था, सो लेट्स टेक टेक देम फॉर डिनर। आप भी चलिए हमारे साथ। जी हम लोग पहुँच गए हैं, और हम गार्लिक ब्रेड देखो कैसे खुदरा इसका फेवरेट है, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग। ये खड़ी हमारी गाड़ी, और वो लोग कहाँ हैं, ये लोग कहाँ गए, पापा कहाँ गए, ओमांश ये रही मेरी बर्थडे बॉय, कुछ मेरी तो ये है जी ओमांश का फेवरेट। नो, नॉट इंटरेस्टेड। तो जी यहाँ हम पहुँच गए हैं लापिनोज करके, डोमिनोज की तरह ही पिज़्ज़ा है यहाँ पे, पिज़्ज़ा गार्लिक ब्रेड और जो भी है सारा कुछ यहाँ पे है, और काफ़ी अच्छा आउटलेट इन्होंने यहाँ पे खोला है 47 सेक्टर में चंडीगढ़ में, एंड डाइन इन वॉज अमेजिंग। दिस ये हम फर्स्ट टाइम नहीं आ रहे थे, हम यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं, मतलब हमारा महीने में एक चक्कर तो ज़रूर लगता है, बिकॉज मेरे बच्चों को बहुत पसंद है पिज़्ज़ा गार्लिक ब्रेड और हमें भी पसंद है। तो ये मेरी बेटी का आ गया है पिज़्ज़ा, हमारा पिज़्ज़ा बच्चों की गार्लिक ब्रेड, और हमने साथ में ऑर्डर किया था लज़ानिया, वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, अमेजिंग था, अमेजिंग। और पता है कि जब हम घर में ऑर्डर करते हैं ना तो ठंडा ठंडा आता है, तो खाने में मज़ा नहीं आता, यहाँ पे ना बिल्कुल मेल्टेड चीज़ एकदम ओवन हॉट, बिल्कुल बहुत मज़ेदार था। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि जब भी आपने पिज़्ज़ा वगैरह खाना है तो आप ऑर्डर करने की जगह वहीं जाकर खाइए, डाइनिंग करिए, तो मज़ा आता है। और ये है जी लज़ानिया, ओफ़ लज़ानिया तो देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इट वाज ब्रिलियंट, अमेजिंग था, चीज़ी, फुल ऑफ चीज़ जी। यहाँ पे हमारा हो गया था मील ओवर, हमने अच्छे से मज़े लेके खाया, और मैं यहाँ पे एक्चुअली बात कर रही थी आप लोगों से, बट मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ा बिकॉज पीछे आउटलेट के अंदर म्यूज़िक चल रहा था, जिसकी वजह से कॉपीराइट आ सकता था। सो यस, हमने यहाँ पे खा पी के, और अब हम तैयारी में थे बाहर जाने की, सो वी विल बी लीविंग नाउ फ्रॉम हियर। हम लोग आए हैं अभी अभी लापिनोज से अपना बर्थडे डिनर करके, और भाई सच बता रही हूँ, हम ना 90% ना हम घर पे ऑर्डर करके मंगा लेते हैं, खा लेते हैं, गरम गरम ना पिज़्ज़ा गार्लिक ब्रेड स्पगेटी का बहुत सही टेस्ट था भाई, 47 में आउटलेट है, मस्त। गाइस अभी अभी मैं आया है वापस घर, और आज हो जाएगी बर्थडे डिनर, वॉज वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। हम अक्सर घर बुला के खाते हैं, मतलब घर ऑर्डर कर लेते हैं, पर ना वो गरम गरम नहीं था, वहाँ बिल्कुल इट वाज सर्व्ड हॉट और बहुत ही अच्छा था। सो मांज की बर्थडे ट्रीट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। सो आई होप हमको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सपोर्ट करा करो यार चैनल को थोड़ा सा। ऑल राइट, सी यू गाइस।
मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।